नमस्कार मित्रों, मैं भरत राणेजा शर्मा एस्ट्रोलॉजी में आपका खूब खूब स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम होलिका दहन के मुहूर्त के बारे में बात करने वाले हैं। मित्रों, होलिका दहन करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली बात कि सूर्यास्त के बाद ही होलिका दहन किया जाता है। जब होलिका दहन किया जाता है उस समय दिन नहीं होना चाहिए, सूर्य ढल जाने के बाद हमें होलिका दहन करना चाहिए। और दूसरी बात, चतुर्दशी तिथि से पहले कभी भी होलिका दहन नहीं होता है। सूर्यास्त के बाद होलिका दहन होना चाहिए और चतुर्दशी तिथि से पहले कभी भी होलिका दहन नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, भद्रा का समय जब होता है, विष्टिकरण होता है, उस समय भद्रा कहलाती है, भद्रा की दशा होती है, तो भद्रा में कभी भी होलिका दहन नहीं किया जाना चाहिए। अगर किसी क्षेत्र में भद्रा के समय होलिका दहन किया जाता है तो उस क्षेत्र में दुर्घटना होने की आशंकाएं बहुत ही अधिक रहती हैं, तो भद्रा काल को हमें होलिका दहन के लिए टाल देना चाहिए। इसके अलावा होलिका दहन करते समय हम जब होलिका दहन कर रहे हैं तो हमें श्रीफल और कपूर की आहुति अधिक से अधिक देनी चाहिए। इससे हमारा पर्यावरण शुद्ध होता है और संक्रामक रोग भी नहीं फैलते हैं। और मित्रों, जितना हो सके होलिका दहन के लिए होली जब हम तैयार करते हैं तो उस समय इस बात का ध्यान रखें कि अधिक से अधिक गाय के गोबर के कंडे या गाय के गोबर से बनी स्टिक हमें इस्तेमाल में लेनी चाहिए। तो मित्रों, इन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए होलिका दहन करते समय। और इस साल होलिका दहन का शुभ मुहूर्त कौन सा है, ये आप जानना चाहते हैं तो नीचे विवरण में आपको पूरे मुहूर्त के बारे में जानकारी दी हुई है कि किस समय होलिका दहन शुभ रहेगा। तो मित्रों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और हमारे चैनल शर्मा एस्ट्रोलॉजी को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करें और आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हैप्पी होली।